कानपुर के बिकरू गांव में कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की मौत के बाद भी उसका आतंक कायम है। अब आतंक है उसके भूत का। शाम ढलते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता है। लोग अपने घरों से निकलने से कतराते हैं। इस बीच कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने विकास दुबे के भूत को वहां मंडराते हुए देखा है। 2.5 महीने पहले इसी जगह एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। बाद में विकास दुबे की भी एनकाउंटर में मौत हो गई थी। बिकरू गांव के लोगों का कहना है कि अब भी उन्हें रात में गोलियों की आवाज सुनाई देती है। एक ग्रामीण ने तो अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आज भी गोलियों की आवाज सुनाई देती है। सब जानते हैं लेकिन बोलता कोई नहीं। कुछ लोगों ने विकास भैया के भूत को देखा भी है। तभी जुबान में गांव वाले कहते हैं कि उन्हें अक्सर विकास दुबे अपने घर के खंडर पर बैठा दिखाई देता है। 2 और 3 जुलाई की रात को यहां हुए नरसंहार के बाद शासन ने उसका मकान बुलडोजर से ढा दिया था। गांव के एक बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ दिन पहले जब रात के समय वो लघु शंका के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि विकास दुबे वहां बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। बुजुर्ग का दावा है कि ऐसा लग रहा था जैसे हम लोगों को कुछ बताना चाह रहा है। बुजुर्ग आशंका जताते हुए कहते हैं कि वो अपनी मौत का बदला जरूर लेगा। इसी तरह विकास दुबे के खंडर हो चुके मकान के पास रहने वाले एक परिवार का दावा है। उनका भी कहना है कि उन्होंने कई बार विकास दुबे की आवाज सुनी है। परिवार की एक महिला कहते हैं कि हमें कई बार सुनाई देता है जैसे कई लोग आपस में बात कर रहे हैं। हालांकि वो बातचीत साफ सुनाई नहीं देती लेकिन बातचीत के बीच बीच में जोर जोर से हंसने की आवाजें सुनाई देती है। ये आवाजें ठीक वैसी ही होती है जैसी विकास दुबे हंसता था। हालांकि विकास दुबे के मकान पर 4 पुलिस वाले जिसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं ड्यूटी देते हैं लेकिन नॉन रिकॉर्ड इनमें से किसी ने भी गोलियों की आवाज सुनाई नहीं देने की बात की है, ना ही इन्होंने विकास का भूत देखा है। उनमें से एक पुलिसकर्मी का कहना है कि हमें यहाँ ड्यूटी करने में कोई समस्या नहीं है। हालांकि इससे ज्यादा कहने पर उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। गांव के पुजारी कहते हैं कि अगर किसी की अप्राकृतिक मौत होती है तो अब ऐसी बातें सामने आती हैं। विकास दुबे के मामले में ऐसा ही हुआ है और ठीक से उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ और न ही ठीक से क्रियाक्रम और साथ ही उसके साथियों का एनकाउंटर भी ऐसे ही हुआ है, इसीलिए इस तरह की दिक्कत आ रही है। गांव वालों का कहना है कि हम नवरात्रों में यहाँ एक विशेष पूजा का आयोजन करेंगे ताकि यहाँ मरने वाले पुलिसकर्मियों के साथ साथ विकास दुबे और उसके साथियों को भी शांति मिल सके। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।